मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरे पास मार्केट के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। मुझे मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करेगी, भाई मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है या मुझे एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा मार्केट के अंदर जंप करने के लिए, इन क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, पूरी देखिएगा। वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत से मेरे दोस्त भाई बार बार एक क्वेश्चन कमेंट रिपीट कर रहे हैं, इवन दो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन मेरे मोहम्मदी भाई हैं पीछे जाके तो देखेंगे नहीं वीडियो को, तो मैंने कहा यार एक थोड़ी सी ताज़ी वीडियो बना देते हैं ताज़ी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। फैक्ट के साथ बात करूंगा, वीडियो पूरी देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी, फिर आप बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, या आप अभी भी यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर्स कर रहे हैं, फिनिश करने के बाद आपका प्लान है आप यूएई मूव कर रहे हैं, आप अब्रॉड किसी भी मुल्क में चले जाएँ, मैं आपको एक माइंडसेट देने वाला हूँ, चीज़ क्लियर करने लगा हूँ। मैं कोई ईमेल एड्रेस नहीं दूंगा, ये भाई नीचे ईमेल एड्रेस है, जल्दी जल्दी सीवी फॉरवर्ड करें, ये काम मेरा नहीं है, ये काम सस्ते व्लॉगर्स का है वो करेंगे। माइंड क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं कि भाई अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन फिर कोई भी आ गया ना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों भाई, बात ठीक कर रहा हूँ, अगर लगता है तो कमेंट में एक दफ़ा बता दीजिएगा। जो आपको दे रहे हैं ना ईमेल एड्रेस, ये दो जो दो भागो भागो सीवी डालो, वो चीटिंग करवा रहे हैं आपको, मैं यहाँ नहीं हूँ आपको चीटिंग करवाने के लिए, मेरी बात समझें। अगेन कम टू द टॉपिक, आपने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, मोस्ट वेलकम, आपने बहुत अच्छा किया। आपने ग्रेजुएट किस चीज़ के अंदर किया, आपने MBA किया है, आपने इंजीनियरिंग के अंदर अपना डिप्लोमास किया है, आपने बेशक बैचलर्स के अंदर किया है, आपने उससे भी नीचे स्टडीज़ की है, जहाँ तक आप समझते हैं या आपका पॉसिबिलिटीज थी पढ़ने के लिए आपने उतना पढ़ लिया है। नाउ यू आर फ्रेश, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप मार्केट में आना चाहते हैं, लोगों के बहुत से रूमर्स सुन चुके हैं कि भाई नहीं यार वहाँ पे एक्सपीरियंस जब तक नहीं है आपका कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये एक बात क्लियर करें, देखें अगर इस मार्केट की बात करता हूँ ना, UAE और दुबई मार्केट की, यहाँ पे आपको चांस मिलता है। ये मार्केट मैं भी जब आया फ्रेश ही आया, बाकी भी जो लोग मेरे दोस्त यार जितने मेरे सामने आए सारे फ्रेश ही आए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का जॉब अच्छी सेटिंग हो गई और अच्छे सारे लगे हैं। रीज़न बता देता हूँ, ये जो गल्फ़ रीजन है ना, गल्फ़ की मार्केट, ज़्यादातर नॉर्मली लोग जो है ना, हम लोग एशिया से यहाँ पे मूव करते हैं, जब इधर आते हैं ना तो इनको जो मैन पावर चाहिए कंपेरेटिवली यूरोपियन पीपल से, यहाँ पे मैन पावर जब एशिया से आता है तो उसको उनसे कंपेरेटिवली लेस सैलरी पर लिया जाता है, नो डाउट सबको पता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम होम कंट्री से एक्सपीरियंस लेके आते भी हैं ना, दैट इज़ काउंट नथिंग। मेरे बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, नहीं काउंट होता है, होता है, ज़्यादा नहीं होता, और ये बात आपको पता है। आज तक मेरा एक्सपीरियंस किसी ने उठा के नहीं देखा यार कि मैंने होम कंट्री में क्या किया, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब चल गया। करके आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है उसका प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रेश हैं, यस। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं, अगर आप फ्रेश हैं और आप मार्केट में आना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आपको साथ लेके आनी है वो नोट डाउन करें, लिखें, पेन और पेंसिल लें भाई, इस तरह नहीं मैं लिखवाऊंगा क्योंकि भूल जाएंगे, फिर यहाँ वीडियो देखेंगे फिर दूसरे का व्लॉग देखेंगे तो कहेंगे यार वो चौकस बात कर रहा है। हमारे लोग भी सुनने वाले ना थोड़े से ममदी हैं। नंबर वन, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कोई खड़ा कर दे यहाँ पे और चार बंदे खड़े कर दे, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, शर्माएंगे तो नहीं शर्माएंगे, आजकल तो टिकटॉक ज़्यादा चल रहा है, कोई शर्माता नहीं है, लेकिन मैं बात जो करना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कुछ करने का पैशन है, और वो पैशन आपको दूसरे से डिफरेंस कर रहा है, आपके पास कम्युनिकेशन एबिलिटी है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोग फिर पूछते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, और बहुत से मेरे भाई दोस्त उन्हें कहते हैं इंग्लिश नहीं आती, आओ ही ना दुबई, यहाँ पे आके सब सीख जाता है बंदा, आती है वेल एंड गुड, बट नहीं आती तो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, मैं फिर भी आपको कहता हूँ आप आएँ यहाँ पे, आप सीख सकते हैं, विलिंग विल कितनी है आपकी सीखने की, काम करने की, पॉइंट क्लियर, अगर विलिंग है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है।
आपके लिए मार्केट ओपन है। वन मोर थिंग, यहाँ पे फ्रेश आ गए, मार्केट फ्रेश लोगों को क्यों चांस दे रही है और क्यों आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, अब उसका मैं आंसर करूँगा और वो गौर से सुनिएगा। अभी ये जो कोरोना का इशू हुआ है, स्पेशली आजकल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से जो कंपनीज थी क्लोज हुई हैं, नो डाउट बिजनेस डाउन हुए हैं, नो डाउट मानता हूँ, बहुत से जो बिजनेस थे उनके बंदों को निकाला गया था और कुछ खोल के चले गए थे जिनकी 10,000 ले रहे थे, जब कंपनी ने कहा 6,000 ले लो तो उनकी नहीं चल सकती। आई अंडरस्टैंड, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि एक बंदे ने कहा जब एक्सपेंस 10,000 के ऊपर सेटिंग हो जाती है ना, उसको 6,000 भी लाना मुश्किल है, तो उन बंदों ने वहाँ से छोड़ा, वो अगली किसी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर देख रहे हैं, तो वो सारे लोग अभी चले गए, कंपनीज के अंदर गैप बनते गए, कंपनीज ने भी हायरिंग नहीं की, जो करंट एम्प्लॉयज़ थे उनसे काम करवा रहे थे, डबल करवा रहे थे, लेकिन अब कंपनीज के काम तेज़ होना शुरू हो गए हैं। देखिए दुबई यूं बूम अब चलता है, अब दुबई जा रहा है ऊपर और जाएगा, मेरी ये बात से मुत्तफिक नहीं होंगे बहुत से लोग, फिर भी बोलेंगे हाँ और यार ये हो गया, लुट गए बर्बाद हो गए, ये लोग ज़िंदगी से लुटे बर्बाद हैं यार, इनकी बातों में ना ये नेगेटिविटी की मैं बात नहीं करता यहाँ पे। जब इसमें ऊपर जाना है वही कंपनी जो मार्केट के अंदर जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया है, उन्होंने हायरिंग करनी है, व्हेन दे आर गो फॉर द हायरिंग, अब वो लोग वो देख रहे हैं, और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त लोग भी हैं जो ये कंपनीज के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो हमारी एचआर है या जो भी उनको रख रहा है जॉब के ऊपर, वो लोग फ्रेश लोगों को देख रहे हैं, फ्रेश लोगों को, क्योंकि सैलरी वो कम ऑफर कर सकते हैं और फ्रेश बंदा इजीली उसको ले सकता है क्योंकि वो एडजस्ट कर लेगा उसके साथ कंपेरेटिवली एक्सपीरियंस से। नंबर वन पॉइंट ये आपका गैप एक बहुत अच्छा बना हुआ है। सेकेंडली बहुत सी नई जॉब्स क्रिएट होती हैं कंपनीज के अंदर, जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो चाहता है यार बस थोड़े से पैसे दे के ये टेस्ट करते हैं, मार्केट में बंदा भेजते हैं, थोड़ा मार्केटिंग करवा लेते हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा लेते हैं, कुछ अकाउंट असिस्टेंट रख लेते हैं, कुछ एचआर का बंदा एक आधा छोटा सा रख लेते हैं जो यार हमारी ये हेडेक ख़त्म करे। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकलती रहती हैं और इनको कवर अप करने के लिए वो मार्केट से फ्रेश बंदे उठाता है। ठीक हो गया, अब मेरी बात आपको समझ आने की कोशिश करवाऊंगा कि जब ये सारा सिनेरियो आप देखते हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप फ्रेश हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, रिपीट नहीं करूँगा, वेलकम, आप दुबई आएँ, आप यूरोप जाएँ, आप अफ्रीका जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, आपको हमेशा चांस मिलेगा। ये मैंने सीख लिया है कि भाई लाइफ ने ये सिखा दिया, बता दिया कि आपके अंदर के गट्स जो होते हैं ना वो आपको लेके जाते हैं ऊपर, आपके अंदर के जो पैशन पावर है ना वो आपको दिलवाती है इंटरव्यू, और आपके अंदर का जो जज्बा जोश वो आपको दिलवाता है जॉब। आपको भी मिल सकती है अगर आप भी फ्रेश हैं, नहीं भी हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, माइंडसेट क्लियर करने की बात है, सब मिलता है यहाँ पे। दुबई इज़ ऑन, गेम इज़ ऑन, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।